ये तो सभी जानते हैं कि आप पार्टी के नेता कुमार विश्वास हर बार अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से कोई न कोई उनके निशाने पर आ ही जाता है। लेकिन इस बार उन्होंने अपना निशाना बनाया है पीएम नरेंद्र मोदी को। जी हाँ, दरअसल फोर्ब्स ने हाल ही में अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दुनिया के टॉप 5 करप्ट देशों की एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें इंडिया नंबर 1 पर बताया गया है। बता दें कि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वियतनाम, तीसरे नंबर पर थाईलैंड, चौथे पर पाकिस्तान है, जबकि पांचवे पर म्यांमार है। जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कुमार विश्वास ने फोर्ब्स के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पहले ही कहा था नंबर 1 बना दूंगा, बना दिया। हालांकि उन्होंने इस पर पीएम नरेंद्र मोदी का नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन अब सोशल मीडिया यूजर्स से पीएम मोदी से जोड़कर देख रहे हैं। इस ट्वीट पर अभी तक 400 से ज्यादा लोग कमेंट कर चुके हैं, जबकि 1100 से अधिक यूजर्स ने इसे शेयर किया है और 2200 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। बता दें कि इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए फोर्ब्स की तरफ से 18 महीने का लंबे सर्वे किया गया था, जिसके दौरान एशिया के 16 देशों के 20,000 लोगों से बातचीत की गई। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ 6 सार्वजनिक सेवाओं में से 5 स्कूल, पुलिस, अस्पताल, आईडी दस्तावेज, उपयोगी सेवा पाने के लिए आधे से ज्यादा जनता को रिश्वत देनी पड़ती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।